कोई वीक ऐसा नहीं है जिसमें 7-8-10 फिल्में ना हों, तो उसमें अकोमोडेट करना, उसमें अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। थैंकफुली वी आर रिलीजिंग फिल्म टुमारो, और मुझे उम्मीद है कि फिल्म का कंटेंट अच्छा है, एक लव स्टोरी है, लाइट हार्टेड फिल्म है, मुझे लग रहा है कि ऑडियंस को पसंद आएगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म जो है वो चलेगी। सर, क्रिटिक्स से रिव्यू तो अच्छे मिल गए, तो क्या लगता है कि एक जंग ऑलरेडी जीत ली है, कि क्रिटिक्स की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया? देखिए, बिल्कुल थैंक्स टू मीडिया, जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं समझदार, सारे लोगों ने फिल्म के बारे में जो लिखा है अभी तक, जो रिव्यूज़ दिए हैं, बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि ये फिल्म दो समुदाय को, दो वर्गों को, दो कम्युनिटी को मिलाती है, और एक बहुत ही पीसफुल मैसेज देती है, जो मुझे लगता है इस वक्त शायद हमारे देश को, हमारी कंट्री को ज़रूरत है ऐसी पॉजिटिव और पीसफुल फिल्म की। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, और मुझे लगता है बाकी के भी लोग कल इसको सराहेंगे। सर, होती तो है नर्वसनेस, मतलब अब आप कोई भी काम बड़ी मेहनत से करते हैं, और जब उसका इम्तिहान देने का वक्त आता है, जब आपको लगता है कि रिज़ल्ट कोई और डिसाइड करेगा, यानी ऑडियंस डिसाइड करेगी आप फिल्म का रिज़ल्ट, तो नर्वसनेस तो होती है, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी फिल्म बनाते हैं, लोग उसको रिलीज़ से पहले ही जो प्रीव्यूज़ होते हैं, जिनको दिखाई जाती है फिल्म, तो कहीं ना कहीं सबका अभी तक का बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो नर्वसनेस तो है, लेकिन एक उम्मीद भी है, और हर फिल्म में होता है, हर छोटे बड़े फिल्म मेकर्स को होता है, लेकिन एक उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मुझे लगता है ये कल का जो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। प्रीमियर पे जो हमारी स्टारकास्ट है वो तो आ ही रही है, फिर कुछ टीवी सेलेब्स हैं, शरद मल्होत्रा वगैरह, प्रियंका खेरा, वो लोग आ रहे हैं, विजय राज हैं, अखिलेंद्र मिश्रा हैं, मैंने इन्वाइट तो सबको किया है, लेकिन इत्तेफाक से थर्सडे का ये प्रीव्यू टाइमिंग जो है प्रीमियर का, इसमें कई सारे प्रीमियर हैं, 3 फिल्मों के प्रीमियर हैं, तो शायद इधर उधर लोग डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि सारे लोग आएंगे। थैंक यू सो मच। आइए रुद्राक्षी, आ जाइए। अरे महेंद्र भाई, आप भी आ जाइए। मैं फिल्म बहुत अच्छी बनी, एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं अब लोगों को कितनी पसंद आती है। अरशद भाई को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत शिद्दत से, मेहनत से, बहुत लगन से फिल्म को लिखा और इस फिल्म को बनाया, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है अरशद भाई ने, बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी, लोग बहुत एंजॉय करेंगे, और मेरी अनेक हार्दिक शुभकामनाएँ हैं अरशद भाई को इस फिल्म को, और खुशी की बात यह है कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ। बहुत बहुत खुशी की बात है, मैं मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो इस फिल्म को देखेगा बहुत पसंद करेगा, क्योंकि एक बहुत ही सहजता से लिखी हुई और बहुत सहज तरीके से बनाई हुई ये फिल्म है। थैंक यू वेरी मच। नर्वस तो ख़त्म हो गई है मेरी, नर्वस अभी नहीं हूँ मैं, लेकिन एक्साइटेड बहुत हूँ। बस अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें एक मौका ज़रूर दीजिएगा। आज हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी फिल्म और कल रिलीज़ हो रही है, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमें चाहिए, और हम ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहला रिव्यू तो यही था कि भाई जल्दी से 17 है, और 17 कल है, तो अब इंतज़ार तो ख़त्म हो गया है। बस अभी रिव्यूज़ तो ये थे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पर, और सबका कह रहे थे कि हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम फिल्म को पूरा सपोर्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े एक्टर्स की फिल्म देखने जाएंगे,
उन्होंने ये बोला कि टैलेंट की फिल्म देखने जाएंगे, क्योंकि उन्हें ट्रेलर इतना अच्छा लगा है, फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनी है, आपका बस सपोर्ट चाहिए प्लीज़। बस 2 घंटे का टाइम निकालते हैं ना, 2 से 2.5 घंटे का इस फिल्म के लिए, 24 घंटे के बीच में, तो हम थोड़ा सा सक्सेस हो जाएंगे बस आपके लिए।